दोस्तों अचानक से घर में मेहमान आ जाए, सोयाबीन और उबले हुए आलू से बनाए बहुत ही टेस्टी कुरकुरा, झटपट बनने वाला गर्मा गर्म नया नाश्ता। एक बार इसे बनाकर खाएंगे, समोसे कचौड़ी भी फीके लगेंगे, मेहमान को देंगे, मेहमान भी पूछेंगे कैसे बनाया। इसे बनाना बहुत ही आसान है, कुछ टेस्टी कुरकुरा खाना हो तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए इसे एक बार क्यों ना बनाया जाए। रेसिपी शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ पर लेंगे सोयाबीन, तो ये 10 रुपये का सोयाबीन है। इसे गर्म पानी में डालकर इसे उबाल लिए हैं। उबालने के बाद 2 से 3 बार पानी से धो लेना है और इसे निचोड़ कर इसका सारा पानी निकाल लेंगे। अब यहाँ पर लेंगे एक मिक्सी जार, मिक्सी जार में सोयाबीन को डालकर ढक्कन बंद कर लेंगे और इसे पीस लेंगे और इसे थोड़ा सा दरदरा ही पीसेंगे। मिक्सी को बंद चालू करके पीसेंगे, लगातार नहीं चलाएंगे। यहाँ पर देखिए इसे दरदरा पीस लिए हैं और यहाँ पर देखिए एकदम अच्छी तरह से ये दरदरा हो गए हैं। और अब इसे एक अलग बाउल में डाल लेंगे या फिर जिस बर्तन में नाश्ते को बनाने हैं उसमें डाल लिए। इस नाश्ते को बनाना फ्रेंड्स बहुत ही आसान है। और यहाँ पर लेंगे एक पीस उबला हुआ आलू, तो आलू थोड़े बड़े साइज में है और आलू को उबाल कर इसका छिलका उतार लिए हैं। यहाँ पर एक ग्रेटर से इसे कद्दूकस कर लेंगे या फिर आलू को अच्छी तरह से मैश कर भी ले सकते हैं। इस तरीके से आलू को कद्दूकस कर लेंगे तो इसमें गुठलियाँ नहीं रहेगी। अब यहाँ पर आधा कटोरी डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज, एक प्याज है, और 1 से 2 चम्मच डालेंगे बारीक कटे हुए लहसुन और हरी मिर्च। हरी मिर्च अपने तीखे के अनुसार ही डालें। 1 चम्मच डालेंगे गोलकी पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे जीरा पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच डालना है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे थोड़ा सा कलर आएगा। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर में तीखापन नहीं होता है। 1 चम्मच डालेंगे आमचूर पाउडर, आमचूर पाउडर नहीं है तो इसे स्किप कर सकते हैं। 1 चम्मच डालेंगे नमक, 1 चम्मच डालेंगे काला नमक, नमक अपने स्वाद अनुसार ही डालें। अब इसमें बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते डाल देते हैं। और अगर इनमें से कुछ इन्ग्रीडियंट्स आपके पास नहीं है तो उसे स्किप कर सकते हैं। अब इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर देखिए हाथों से हल्के हल्के मसल कर इसे मिक्स कर लेना है और एकदम ये अच्छी तरह से डो बनकर तैयार है। तो इसे और भी ज़्यादा स्वादिष्ट और क्रंची बनाने के लिए इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच तक बेसन या फिर इसमें कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं, जिससे नाश्ता कुरकुरा बनेगा। और बेसन डालकर अब इसे मिक्स कर लेंगे, तो बेसन की जगह पर कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इस नाश्ते को सोयाबीन कटलेट बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब हाथों को धोकर इसमें से थोड़ा सा मिश्रण हाथों में ले लेते हैं और इसे हल्के हल्के दबाकर इसे बॉल बना लेते हैं। इसे जिस भी शेप में बनाना चाहे बना सकते हैं, गोल भी बना सकते हैं, हल्का सा लंबा भी शेप दे सकते हैं। यहाँ पर इसे गोल कर इसे हाथों में रखकर हल्का सा इसे दबाकर चपटा कर लेंगे और इसे थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरीके से हल्का सा दबाकर इसे थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे, या फिर इसे गोल भी कर सकते हैं, थोड़ा सा लंबा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसे टिकिया की तरह बना लिए हैं और इसकी मोटाई 1/2 इंची के लगभग है। और यहाँ पर देखिए इसे प्लेट में रख लेंगे और बाकी बचे हुए को इसी तरीके से छोटी टिकिया की तरह बना लेंगे। हाथों में रखकर इसे गोल कर हल्का सा चपटा कर लेंगे। यहाँ पर सभी को बनाकर तैयार कर लिए हैं, तो चलिए अब इसे साइड में रख देते हैं। यहाँ पर मिक्सी जार ले लेंगे जिसमें सोयाबीन पीसे थे, और यहाँ पर 3 पीस ब्रेड लेना है। ब्रेड से ब्रेड क्रम बना लेंगे। अगर ब्रेड क्रम घर में है तो इसे बनाने की ज़रूरत नहीं है। और अब इसे छोटे छोटे पीस में तोड़कर ढक्कन बंद करके इसे दरदरा पीस लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ब्रेड को दरदरा पीस लिए हैं और ये ब्रेड क्रम बनकर तैयार हैं। इसे फ्रिज में 1 से 2 दिनों तक स्टोर कर रख सकते हैं। और इस ब्रेड क्रम को प्लेट में निकाल कर रख लेंगे, जिससे हमारा नाश्ता जो है एकदम क्रंची बनेगा। यहाँ पर देखिए एकदम दानेदार पिस गए हैं।
यहाँ पर थोड़ा सा गाढ़ा घोल तैयार कर लेते हैं। इसके लिए कटोरे में डालेंगे 4 से 5 चम्मच तक मैदा और 2 चम्मच तक डालेंगे कॉर्नफ्लोर, जिससे नाश्ता कुरकुरा बनेगा, और 1/2 चम्मच डालेंगे नमक। और नमक जब भी डालें अपने स्वाद अनुसार ही डालें, और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे मिक्स करेंगे। इसे मीडियम ही गाढ़ा घोल तैयार करेंगे, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो इसमें दोबारा से पानी ऐड कर दिए हैं, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर हल्का सा गाढ़ा घोल तैयार कर लेना है। और यहाँ पर देखिए इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं, घोल भी तैयार हो गए हैं, ब्रेड क्रम भी तैयार हैं। और चलिए अब इस नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो सोयाबीन की टिकिया है उसे मैदे के घोल में डालकर इसे डीप कर लेना है, अच्छी तरह से इसमें लगा लेंगे। और अब इस ब्रेड क्रम में डालकर इसे लपेट लेना है, और यहाँ पर देखिए एकदम अच्छी तरह से उलट पुलट करके और किनारे साइड भी रोल कर इसमें लगा लेंगे। ज़्यादा मोटा लेयर नहीं लगाएंगे, इसी तरीके से सभी को बना लेंगे। यहाँ पर कढ़ाई में तेल डालकर गैस पे चढ़ा लेंगे और इसे थोड़ा सा गर्म करेंगे। जब थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इन पीसेस को डालेंगे कढ़ाई में, जितने भी पीसेस आएंगे उतने पीसेस को डाल देंगे। तो ये चौड़ी वाली कढ़ाई है, एक बार में ये 6 से 7 पीस बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 4 पीस डालकर इसे मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे। थोड़ी देर में इसे पलट देंगे, देखिए कितना सुंदर कलर आ गया है, हल्का सा सुनहरा कलर हो गया है। तो इसे जब फ्राई करेंगे तो मीडियम या लो फ्लेम पे फ्राई करें, और सभी को इसी तरीके से पलट देंगे। सभी को इसी तरीके से सुनहरा कलर होने तक उलट पलट करके फ्राई करेंगे, और इसे मीडियम लो फ्लेम पे बनाएंगे। तो ये जो नाश्ते हैं, ये जो सोयाबीन के कटलेट हैं, वो एकदम फूले फूले बनेंगे। और यहाँ पर देखिए सुनहरा कलर होने लगा है, सुनहरा कलर हो गया है, तब अब इसे निकाल लेते हैं। और यहाँ पर देखिए कितना सुंदर कलर आया है, एकदम सुनहरा कलर का हो गया है, तब प्लेट में निकाल लेते हैं। और यहाँ पर देखिए कितना सुंदर कलर आया है, धीमी आंच में बनाएंगे तो एकदम फूले फूले बनेंगे। सभी को निकाल लेंगे, बाकी बचे हुए पीसेस को इसी कढ़ाई में डालकर इसे फ्राई करेंगे, लेकिन इसे धीमी आंच में ही फ्राई करें। सभी को बनाकर तैयार कर लिए हैं, और एकदम टेस्टी कुरकुरा झटपट बनने वाला नाश्ता तैयार है। इसे सर्व किए हैं टमाटो केचप के साथ, या फिर आपको जो भी चटनी पसंद है उसके साथ खाएं। यहाँ पर देखिए देखने में ये कितना खूबसूरत लग रहा है, खाने में उतना ही ये मज़ेदार लगेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जब बनाएंगे तो बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर ही में सोयाबीन से टेस्टी कुरकुरा कटलेट नाश्ता बना सकते हैं। इसे शाम की चाय के साथ खा सकते हैं, बच्चों को में दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए तोड़कर इसे दिखाते हैं, अंदर तेल बिल्कुल नहीं गए हैं, तो एक बार इसे जरूर बनाकर देखें। रेसिपी मेरी अच्छी लगे फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और इसे बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।